ग्वालियर पुलिस ने आकाश जादौन के शॉर्ट एनकाउंटर के 6वें दिन बाद दूसरा शॉर्ट एनकाउंटर कर अनीता गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी मंकू उर्फ मयंक भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या और लूट की वारदात में शामिल आरोपी मंकू उर्फ मयंक भदौरिया शंकरपुर से होता हुआ बाइक से जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की एक्टिव टीम और बदमाश की घेराबंदी करने के लिए वहां पहुंची और जब पुलिस ने बदमाश को घेरने की कोशिश की तो उसने अवैध पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी और वो वहां पे घायल होकर गिर गया। पैर में गोली लगने से घायल हुए आरोपी मयंक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह पुलिस ठीक होने के बाद ही हत्या की वजह पूछने के लिए पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि अगर इस वारदात में अन्य आरोपी शामिल होना पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो अपराधी है बहुत ही सक्रिय अपराधी है। ये लूट और हत्या के मामलों में फरार चल रहा है। 29 तारीख को जो माधोगंज थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई थी और उसके बाद महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जो चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, दोनों ही घटनाओं में फरार था और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसकी गिरफ्तारी के लिए IG साहब के द्वारा 20,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा की गई थी। माधोगंज थाने की टीम, माधोगंज थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर इसको अरेस्ट किया है। लेट नाइट इन्फॉर्मेशन थी कि ये ट्रांसपोर्ट नगर तरफ जाने वाला है शंकरपुर स्टेडियम से, तो उस सूचना के आधार पर ट्रैप लगाया गया। जब इसको गिरफ्तारी के लिए चैलेंज किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और जिसके कारण इंजर्ड हुआ है। इमीडिएटली इसको यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए हैं और GH हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया है। देखिए, ये आरोपी मयंक भदौरिया है, मूल रूप से बाहा का आगरा का रहने वाला है। वर्तमान में कालपी ब्रिज क्षेत्र में रह रहा था। ये जो पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसमें मुख्य आरोपी था। घटना के दौरान इसके द्वारा मोटरसाइकिल चलाई जा रही थी तो इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग हत्या के मामले में, लूट के मामले में प्रयास कर रहे थे। देखिए, अभी ये सारे डिटेल्स क्योंकि अभी स्पॉट पे हैं और हमारी फॉरेंसिक टीम और बाकी टीमें काम कर रही है, सारे डिटेल्स बाद में शेयर करेंगे। ये एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। जो क्राइम रिकॉर्ड इसका है, कानपुर में डकैती के मामले में दर्ज हुए हैं इस पर, इसके अलावा पूर्व में लूट के अपराध दर्ज हुए हैं। ग्वालियर जिले में 29 तारीख को जो हत्या की घटना माधोगंज थाना क्षेत्र में हुई थी उसमें फरार था। उसके बाद महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी उसमें फरार चल रहा था।